नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोपालपुर विधायक नीरज कुमार उर्फ गोपाल मंडल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। नवगछिया में आयोजित वसंत फुहार कार्यक्रम में मंच से उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो हत्या की राजनीति फिर से करेंगे। विधायक के बिगड़े बोल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बारूद और बंदूक से लोगों की सुरक्षा करेंगे। इसके अलावा विधायक ने नीतीश के शराबबंदी के फैसले की भी आलोचना की। तो पहले से ही विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं गोपाल मंडल, और एक बार फिर से विवादित बयान दिया है गोपाल मंडल ने। गोपाल मंडल ने साफ तौर पर कहा है कि वो फिर से हत्या की राजनीति करेंगे। हालांकि उन्होंने हत्या की राजनीति छोड़ दी थी, उन्होंने कहा कि बंदूक और बारूद से लोगों की रक्षा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने शराबबंदी का जो फैसला है बिहार सरकार का, नीतीश कुमार का, उसकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिना नशे की होली मन ही नहीं सकती, नशाखोरी ज़रूरी है, नीतीश कुमार शराब बंद नहीं करा सकते। ये बयान दिया है गोपाल मंडल ने। इसमें दो मत नहीं है, बैठ के सरकारी करूंगा, ये मैं कर पाऊंगा। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे इस बयान पर हमारे साथ प्रतिक्रिया देने के लिए जुड़ गए हैं। मंगल पांडे जी, पहले भी गोपाल मंडल ने इस तरह का बयान दिया है और ये कोई पहली बार नहीं है। ये एक विधायक का बयान है कि वो हत्या की राजनीति करेंगे? देखिए, सरकार और नीतीश कुमार जी का संरक्षण गोपाल मंडल को सीधा मिल रहा है जी। नहीं तो किसी भी व्यक्ति की यह हिम्मत नहीं हो सकती है कि वह बार बार इस प्रकार से खुली धमकी दे जी। और धमकी देने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे। डीएसपी को गोपाल मंडल ने कहा उठा के गंगा जी में फेंक देंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि जीप काट लेंगे, जान मार देंगे, और अब खुलेआम कर रहे हैं कि हम जान मारने की राजनीति करते हैं, हम हत्या करेंगे। यह सरकार को चुनौती है, नीतीश कुमार को चुनौती है, और सत्ताधारी दल के विधायक इस प्रकार से जो व्यवहार कर रहे हैं, समाज में तनाव पैदा हो रहा है जी, और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। जब विधायक ही हत्या करने की बात करेगा तो पुलिस अधिकारी क्या करेंगे? मंगल जी, मंगल जी, होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा था और गोपाल मंडल ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने हत्या की राजनीति छोड़ दी थी, अब वो फिर से हत्या की राजनीति करेंगे। और सबसे अहम जो बात है कि जो शराबबंदी का फैसला है नीतीश कुमार का, उस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, कहा कि ये फैसला गलत है और नीतीश कुमार शराबबंद नहीं करा सकते। सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने कहा कि हत्या की राजनीति छोड़ दी, इसका मतलब पूर्व में उन्होंने हत्या किया है। बिल्कुल, और जिन जो उन्होंने स्वीकारोक्ति की है कि हत्या की राजनीति मैंने बंद कर दी, उनको गिरफ्तार करके पहले पुलिस को पूछना चाहिए। यदि बिहार के मुख्यमंत्री हिम्मत है तो अपने सत्ताधारी दल के विधायक को गिरफ्तार करके पूछवाए कि किसकी तुमने हत्या की थी, कौन थे वो लोग। पूर्व में जो उस क्षेत्र में हत्याएं हुई हैं, निश्चित रूप से उन हत्याओं में उस व्यक्ति का हाथ रहा है, वो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैंने हत्या की राजनीति की है जी। तो सरकार में हिम्मत है तो अपने विधायक को गिरफ्तार करे, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोपाल मंडल को खुला संरक्षण है नीतीश कुमार का, इसलिए बिहार पुलिस की किसी अधिकारी में हिम्मत नहीं है बिल्कुल कि वह गोपाल मंडल से पूछताछ कर सके। बिल्कुल, तो आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं। मंगल पांडे, आपका बहुत शुक्रिया जी पुरवैया से बात करने के लिए। गोपाल मंडल ने बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हत्या की राजनीति उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन एक बार फिर से वो हत्या की राजनीति करेंगे। नवल शर्मा, जेडीयू के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवल जी, गोपाल मंडल पहले भी इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं और एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि वो हत्या की राजनीति करेंगे, ये एक विधायक का कैसा बयान है? देखिए, हमारी पार्टी और हमारी सरकार इस तरह के गैर जिम्मेवार बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है जी। बिहार में कानून है, सुशासन का राज है, और बिहार में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी पद पर हो, कानून व्यवस्था को लांछित करने वाले बयान देने की इजाजत नहीं दी जा सकती है जी। दूसरी बात है कि शराबबंदी के बारे में उन्होंने जो कहा, यह उनका व्यक्तिगत विचार होता है, हो सकता है जी। हमारी पार्टी शराबबंदी को लागू करने के लिए
बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं माताओं से किए गए वायदे को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप देख रहे हैं कि शराबबंदी के बारे में हमारी सरकार ने कितने वैज्ञानिक तरीके से नए नए कदम उठाए हैं और नित्य नए कदम हम उठाते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो शराबबंदी बिहार की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है और हम इस कमिटमेंट। नवल जी अभी मंगल पांडे से हमारी बात हो रही थी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने पहले किसकी हत्या की है जो वो खुद बयान दे रहे हैं। देखिए, उनका मंगल पांडे जी विपक्ष के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, उन्होंने क्या कहा मैं नहीं सुना, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर जनप्रतिनिधि आप हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, सत्ताधारी पार्टी के हो या विपक्ष के हो, इस तरह के बयान कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बदनुमा दाग की तरह होते हैं और हमारी पार्टी इस तरह के बयानों का कतई समर्थन नहीं करती है। मुझे लगता है कि गोपाल मंडल जी बिहार के विधायक हैं और उन्हें इस तरह के गैर जिम्मेवार बयानों से बाज आने की आवश्यकता है और पार्टी सिरे से उनकी पूरी मनोभावना को, उनके सारे बयानों को खारिज करती है और निंदा भी करती है, घोर निंदा करती है। बिल्कुल, नवल शर्मा बहुत शुक्रिया आपका। जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। साफ तौर पर नवल शर्मा ने यह कहा है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का। उन्होंने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधि को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा था कि विधायक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए गोपाल मंडल को और उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने किस तरह की हत्याएं की थी, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने हत्या की राजनीति की थी और हत्या की राजनीति वो छोड़ चुके हैं, दोबारा करेंगे। हम आपको सुनाते हैं कि गोपाल मंडल ने आखिर क्या कहा। मैं हत्या का राजनीति छोड़ दिया, लेकिन अब हत्या का राजनीति नहीं करूंगा, मैं खुले मन से बोलता हूं। समझे ना, क्या पर आपको नाम बता सब बोलते, हत्या करने राजनीति करूंगा, इसमें दो मत नहीं है, बैठ के सरकारी करूंगा, ये मैं कर पाऊंगा। नशा नशा नहीं चाहिए, बगैर नशे का हो, बगैर नशे का हो भी मन ही नहीं सकता, मन डोले नहीं जाओगे, ये सही बात है, लेकिन नीतीश कुमार कितनों बंद कर दे घर का गाना करने लगा, ये भाग मानने लगा, और नशा बहुत प्रकार की है, चाय पर पानी कर दी उसी में नशा। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये कहना है जेडीयू का विधायक गोपाल मंडल के बयान को लेकर, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के बयान कब तक आते रहेंगे। गोपाल मंडल के बयान पर जेडीयू नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के तमाम नेताओं ने इस तरह के बयान की आलोचना की। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि शराबबंदी उनकी सरकार का निश्चय है और उसके खिलाफ जो भी बयान देगा उसे पार्टी के खिलाफ माना जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि बोलने वालों का मुंह कौन रोक सकता है। उन्होंने मीडिया से ऐसे बयान देने वालों को तवज्जो नहीं देने की अपील की। हमारे लिए जो सबसे आवश्यक है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उसके ऊपर सीरियसली हम लोग विचार करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के लोग इस तरह का बयान देने से परहेज करें और अपने को सुधारें, और नहीं सुधारेंगे तो पार्टी उनके ऊपर निश्चित रूप से सोचेगी कि क्या कार्रवाई की जाए। संस्कृत में कहावत है, वचनम किम दरिद्रम, बोलने में क्या जाता है, टैक्स थोड़ी लगा हुआ, चमड़े की जुबान में बोलते जाइए, तो कुछ लोग इसी तरह से हल्की बयानबाजी करते हैं। मेरा अनुग्रह आग्रह है, अनुरोध है आप लोगों से, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, क्योंकि ऐसे लोग अगर कोई भी कानून तोड़ने वाला काम करेंगे तो कानून अपना काम करेगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अजय आलोक मीडिया को नसीहत दे रहे हैं कि ऐसे बयान मत दिखाइए, लेकिन अच्छा होता अजय आलोक गोपाल मंडल से कहते कि ऐसे बयान ना दिया जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने नीरज मंडल के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सीएम नीतीश को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उसमें इन लोगों का भी योगदान है जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए मेरा मानना है मुख्यमंत्री को आगे बढ़कर के कार्रवाई करनी चाहिए और पूरी बात जनता को बताना चाहिए क्या सुशासन किसी को करते हैं। तो बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद एक बार फिर से तेज हो गई है। आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई। राज्य फिलहाल
जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू है। जानकारों की माने तो अगर अब सियासी गठजोड़ फेल हुआ तो राज्य में चुनाव ही अंतिम विकल्प है। उत्तराखंड में सियासी संकट और गहरा गया है। राज्यपाल ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में साफ कर दिया है कि 28 मार्च को जो बहुमत साबित करना है उसमें दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रावत सरकार 9 बागी विधायकों को सस्पेंड कर बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। उत्तराखंड की सरकार अब संपत्ति में है राष्ट्रपति जी के यहाँ। देवभूमि उत्तराखंड के सियासी संग्राम का पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देहरादून के विधानसभा से निकला सियासी संकट अब रायसेना हिल्स के दरबार तक पहुंच चुका है। तो वहीं उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार पर संवैधानिक संकट और बढ़ गया है। राज्यपाल के पॉल ने विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिए गए हैं कि कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित ना किया जाए। राज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर को 18 मार्च की स्थिति को बरकरार रखने के भी निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि 28 मार्च को बहुमत साबित करने के लिए जो वोटिंग होगी उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। गवर्नर की इस चिट्ठी के बाद अब साफ हो गया है कि कांग्रेस के 9 बागी विधायक भी वोट डाल सकेंगे। वहीं कल उत्तराखंड के सियासी संकट पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। बीजेपी ने राष्ट्रपति से कहा कि राज्य के मनी बिल पर हरीश रावत सरकार सदन में हार गई है, लिहाजा सरकार को बने रहने का हक नहीं और उसे बर्खास्त किया जाए। तो वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी आरोप लगाया कि देश भर में कांग्रेस की लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली और बिहार में चुनाव हारने के बाद अब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे हथकंडे अपना रहा है। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत और संयुक्त सचिव अनिल गुप्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया। संकट से घिरे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और बीजेपी पर उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जो लोग बाहुबल, धनबल, सत्ताबल से निर्वाचित सरकारों को अपदस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल 70 सीटों वाली उत्तराखंड असेंबली पर सभी की निगाहें हैं कि आने वाली 28 तारीख को सूबे की हरीश रावत सरकार का क्या होगा। राज्यपाल की स्पीकर को लिखी चिट्ठी के बाद बागियों को मिली राहत से ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय रावत सरकार के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ देहरादून से सोन सिंह, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र एक बार फिर सूखे की चपेट में है। 16,000 से अधिक गांव सूखे से प्रभावित हैं। सबसे अधिक सूखे की मार मराठवाड़ा इलाके में पड़ी है। नदी नाले सूख गए हैं और खेतों में दरारें आ गई हैं। पानी के अभाव में कौड़ियों के मोल जानवर बिक रहे हैं। फिर भीषण सूखे की चपेट में महाराष्ट्र। लगातार तीसरे साल पड़ी सूखे की मार। नल सूखे, कुएं सूखे, सूखी सारी नदियां। पश्चिमी भारत का राज्य महाराष्ट्र एक बार फिर सूखे की मार सहने को मजबूर है। यहां के 16 जिलों के 15,750 गांव पर सूखे की मार पड़ी है। लातूर, बीड, नांदेड़, औरंगाबाद पर भड़ी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। महाराष्ट्र के 16 जिलों में लगातार तीसरे साल सूखा पड़ा है। ये 1972 के बाद का सबसे भयंकर सूखा है। मराठवाड़ा के लातूर, बीड, औरंगाबाद, नांदेड़, जालना और उस्मानाबाद में सूखे से हालात गंभीर हैं, जबकि पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा, सांगली और सोलापुर में भी सूखे से लोगों का जीना मुहाल है।
नल और कुएं सूखे पड़े हैं और सरकार पीने के पानी के लिए हर दिन करीब 700 टैंकर से पानी सप्लाई कर रही है। मार्च के महीने में सूखे से सूबे में ये बदहाली है, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि अभी गर्मी की तपिश और बढ़ने के बाद हालात कितने बद से बदतर हो सकते हैं। ऐसे में सरकार ने सूखाग्रस्त इलाकों के स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स की फीस माफी का ऐलान किया है और बिजली बिल में सहूलियत कर थोड़ी राहत जरूर दी है। सूखे से निपटने के लिए फंड की कमी झेल रही महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से करीब 4000 करोड़ रुपए की फौरी तौर पर मदद मांगी है। इसमें से करीब 3500 करोड़ रुपए बर्बाद हुई फसलों के लिए और 314 करोड़ रुपए पीने का पानी मुहैया कराने के लिए मांगी गई है, जबकि जानवरों के चारे के लिए करीब 109 करोड़ रुपयों की मांग की गई है। हर साल सूखे की चपेट में झुलस रहे महाराष्ट्र में पानी सहेजने के लिए बनाए गए बांधों पर सरकारों ने करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी सूखे से लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और नतीजा फिर भी कोसों दूर है। आगे बढ़ेंगे। एनआईए ने पठानकोट हमले में मारे गए 4 आतंकियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। एनआईए ने यह भी कहा है कि जो भी इनके बारे में सूचना देगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने प्रेस रिलीज में इन आतंकियों के हुलिये का ब्यौरा भी दिया है। मारे गए आतंकियों में से एक के दोनों पैर का अंगूठा नहीं था। इन आतंकियों के बारे में सूचना देने वालों को 1,00,000 रुपये का इनाम मिलेगा। वर्ल्ड T20 में भारत से हारने के बाद आफरीदी की कप्तानी से छुट्टी हो गई है। पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान ने कहा है कि वर्ल्ड T20 के बाद आफरीदी पाकिस्तानी टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में आफरीदी के उस बयान की भी काफी आलोचना हो रही है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा भारत में प्यार मिलने की बात कही थी।